भैया जी मुझे ये बाइक पसंद आ गई, फाइनल है? हाँ ये फाइनल करवा दो आप मुझे। लोन पे लेनी है ना? हाँ लोन पे ही लेनी है। आप इसकी आधार कार्ड पैन कार्ड दे दो। अच्छा पेपर लोन डलवा लो आप। डाउन पेमेंट कितनी देनी होगी? कोई नहीं आप पेपर बैठ जाओ, बैंक वाला बता देगा आपको। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? आधार कार्ड पैन कार्ड बैंक की कॉपी और एटीएम बस। ठीक है करवाना भाई साहब, जो ये स्प्लेंडर लिया हीरो, इसके डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपको? आप आधार कार्ड पैन कार्ड दे दो। लो भैया जी आधार कार्ड और पैन कार्ड। 5 मिनट का वेट। भैया 5 मिनट की कह रहे थे, 4 मिनट तो हो गई। काम हो भी जाएगा या नहीं होगा? भाई हो जाएगा, हो गया भाई। 9800 डाउन पेमेंट आई है, हो गया आपका लोन। हो गया मेरा लोन? हो गया भाई। डाउन पेमेंट 9800? तो कैश देनी है ऑनलाइन करनी है? हाँ मैं कैश नहीं ऑनलाइन करूँगा। कोई नहीं आप ऐसे करो, इस पे डाल दो आप। अच्छा इस पे 9800 डाल दो। हाँ जी ठीक है। हो गए? हाँ हो गए भाई, चेक कर लो। ये सुमित गिलावत के नाम से है ना? हाँ जी हाँ जी, पर इनका अकाउंट तो है नहीं। आप ऐसा करो स्क्रीनशॉट दिखा दो। देख लो भाई ये कितने डाल दिया आपने। वो यार ये तो गलती हो गई यार, 9800 करने थे तो 98000 हो गया यार। आप यार यार बाकी पेमेंट मेरी वापस करवा दो यार। लेकिन मैं आपको पैसे वापस नहीं दे सकता। क्यों भैया जी? वो क्या है ना, जो ये वाला कोड है ना, ये ओनर का है, वो सीधा पैसे उन्हीं के खाते में गए हैं इसलिए। यार ये तो मेरे फादर का अकाउंट नंबर है, उनके अकाउंट से पैसे कट गए यार, वो तो मेरे को बोलेंगे यार। और वो भी यहाँ पे है नहीं। तब उनको बुला लो ना, जिनका ये क्यू कोड है उस पे अकाउंट, जिनके अकाउंट में पेमेंट गई है यार, बुला लो यार। यार मेरी फैमिली वाले तो बहुत दिक्कत कर देंगे यार। क्या बात हो, किस चीज के लिए बहस हो रही भाई? अरे भैया वो क्या है ना, इन्होंने डाउन पेमेंट डालनी थी 9800, इन्होंने 98000 डाल दी। 98000 डाल दी? हाँ भाई 9800 की जगह आपने 98000 क्यों डाल दी? और आपके कोड में डाल दी उस वाले में। हाँ ये तो रिफंड भी नहीं हो सकते अभी, ये बोल रहे हैं इनको जरूरी चाहिए। तो हमें अपने सीए से कंफर्म करना पड़ेगा भाई, आए भी हैं नहीं आए, क्योंकि इसका तो हमारे पास क्यूआर कोड है, कोई नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं आती भाई। आपने डाले भी हैं या झूठ बोल रहे हो? नहीं नहीं भैया जी डाले हैं मैंने। स्क्रीनशॉट चेक किया आपने? दिखा तो रहे हैं। फिर अब कैसे समाधान होगा भाई? फिलहाल तो कोई समाधान ना है भाई, इनको 2-3 दिन के बाद आना पड़ेगा। हाँ कम से कम यार 2-3 दिन में तो यार मेरे भाई, आज फ्राइडे है, कल सैटरडे हमारा सीए आता है, नहीं मंडे कोई बात बनेगी। अब तो आपकी गलती भी तो इन्हीं की है भैया, गलती भी आपकी है। जल्दबाजी में 1-0 ज्यादा लग गई यार। 1-0 ज्यादा लगने से आपने 90000 एक्स्ट्रा डाल दिया हमारे अकाउंट में। तो यार इनको यार भैया जी करवाओ, सीए आने के बाद ही होगा भाई, अभी तो कुछ ना हो। नहीं मेरी फैमिली वाले तो बहुत दिक्कत करेंगे यार। वो आपको देखना चाहिए ना भाई, इतनी लापरवाही थोड़ा करते हैं यूपीआई यूज करते वक्त यार। वो खुशी खुशी में पता ही नहीं चला, घर को ने बाइक की हाँ कह दी तो मैं बाइक लेने आ गया। आपका मैंने बहुत नाम सुना हरिदास मोटर्स के नाम से, तो प्लीज भैया जी कुछ करवाओ यार, मेरे तो दिक्कत हो जाएगी यार भाई। दरअसल पता है क्या सीन है, मंडे से पहले हमारा सीए नहीं आएगा और इस बात का समाधान नहीं हो सकता। अब बताओ मैं आपके लिए क्या मदद कर सकता हूँ? करो भैया जी, आप अच्छे इंसान हो, कुछ तो करो यार। अपना क्यूआर कोड दिखाओ। मैं ऊपर अपने ऑफिस में बैठा था ना, तब मैंने देखा 98000 की पेमेंट आई है, मैं उसी लिए नीचे आया हूँ कि इतनी बड़ी पेमेंट किसने डाल लिया। ये आपके लिए सबक है कि 2-3 मिनट के लिए मैंने बोला कि नहीं हो पाएगा, ऐसे अनजान यूपीआई पे कभी भी पेमेंट नहीं डालते भाई। अब हमने तो भाई ने तो चेक कर लिया कि आपने 98000 डाला है, और हम बोल देते ठीक है फिर, और कल को हम मुकर जाते तो। हाँ ये भी बात सही है, मैं तो अपना डाल आपने ध्यान रखना भाई। बस वो ना भैया जी खुशी खुशी में पता ही नहीं चला, मैं तो ये तो भैया ने देख लिया ना, तो मैं तो 98000 डाल के चला ही गया था मैं यार, ये तो बात में बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर कोई आसपास खड़ा हो तो पिन भी नहीं डालते ना दिखाते, अपनी यूपीआई आईडी दिखाइए मेरे को, मैं डाल देता हूँ आपके। गोल्डी जिम, जिम है क्या आपका? हाँ जी। वाह भाई वाह, ये देखो 90000 रुपये। ठीक है थैंक यू भैया जी, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ओके।